देव सर जी। आज 11 मई को हमारे लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी दुख भरा दिन रहा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 11 मई को जो मिलिटेंट अटैक हुआ था कैली मंडी में, उनमें हमारे मैडम शशि बाला जी और उनके हस्बैंड जी की बड़ी दुखद मृत्यु हो गई थी उस अटैक में। दोनों की इन्होंने शहादत दी थी। और आज हमारा डिपार्टमेंट, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और ख़ास करके हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट, जो कि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और इन्होंने अपना अच्छा टाइम यहाँ पे निकाला, शशि मैडम ने जो हमारे जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रेसिडेंट रही हैं और एक कर्मठ, जो जिसको बोल सकते हैं आप, एम्प्लॉय थे, जो अपने डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा सोचते थे और अपने जो कोलीग्स थे, जो अधिकारी थे, उनके बारे में इनका मतलब बड़ा अच्छा इनका रोल रहा। और आज हम इनको याद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ख़ास करके हम आज बहुत ही दुखी हैं कि इन्होंने आज के दिन जो है इनको शहादत देनी पड़ी थी। तो इसके साथ ही आज हम इनका शहीदी दिवस मना रहे हैं। मेरे बाकी साथी जो मेरे जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट सांबा के साथी मेरे साथ खड़े हैं आज, तो हमारे लिए बहुत ही दुखद भरा दिन है आज। 11 मई को 2008 को सुबह सुबह का दिन था, वो अभी लोग सोए हुए थे तो इनके घर पे मिलिटेंट का अटैक हुआ था। आज 14 साल हो चुके हैं, 14 साल से लगातार हमारी जो इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका स्थान बनाया हुआ है पार्क, वहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज भी 11 तारीख है, आज भी वो दिन याद आते हैं कि सुबह सुबह अभी हमारे शिफ्टें भी चेंज नहीं हुई थी और इनके बेचारे जो इंजर्ड थे, इंजरी में इनको इधर लाया गया और यहाँ पे डेथ हो गई। तो उस समय तो हमारे लिए तो सदमे का दिन था और उसी दिन को ही याद में हम ये शहीदी दिवस मनाते हैं। मैडम के ससुराल भी इधर ही थे, उनके मायके भी इधर ही थे, इसलिए उनको इधर बहुत प्यार था लोकल से भी, और हमारी फेडरेशन के लिए जो किया हुआ है वो हमारी फेडरेशन नहीं भूल सकती है। इन्होंने जेलों में रही हैं, इन्होंने प्रशासन की प्रताड़ना सहन की हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके नक्शे कदम पे चलने की जो है कोशिश करेंगे हमारी फेडरेशन जो है, तो इसी के याद में हम ये दिन मनाते हैं। आप जानते हैं कि आज 11 मई है, 11 मई 2008 की वो सुबह, वो दुख भरी सुबह कौन भूल सकता है कि जब हमारी आंखें अभी खुली भी नहीं थी तो ये दुखद समाचार मिला कि होशियार सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी शशि बाला जी, हमारी
सांबा के लिए अच्छे कार्य करते हुए शहीद हो गए हैं, और उनकी शहीदी का कारण था कि वो जो दुस्साहस करते थे देश के खिलाफ बोलने का, देश के खिलाफ जो गलत कार्य करते थे, मतलब होशियार सिंह जी हमारे सांबा की शान थे, वो सांबा की उन्नति के लिए आगे होकर अपना योगदान देते थे, और मैडम शशि वाला जी वो भी एक अच्छी जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी, और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ उनका जो योगदान है वह भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन सुबह उग्रवादियों ने घात लगाकर उनके घर की ओर जो आक्रमण किया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई और वो दोनों शहीद हो गए। वो दिन आज तक भूलता नहीं है, जब सुबह हुई थी और तो उन्होंने गोलियां बरसाकर उनको शहीद कर दिया था। आज का दिन 11 मई हम भूले से भी भुलाया नहीं जा सकता हमारे सांबा वासियों के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शहीदों को हमें याद रखना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए। जय हिंद।